हर त्यौहार जो है हम रहन बसेरा के अंदर मनाते हैं, और जो भी हमारा इम्पोर्टेंट जो नेशनल इवेंट्स होते हैं सारे के सारे जहाँ पर इनके साथ मनाते हैं। तो आज हमने सीनियर सिटीजन जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है वो भी आज इनके साथ मना रहे हैं। आज के दिन ये मैसेज रहेगा सभी के लिए कि वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, उनकी चॉइस पूछते हैं, उनकी मर्जी का खाना देते हैं और हर दुख सुख में उनमें शामिल होते हैं, आज वही माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वही फ़र्ज जो है वो बच्चों का भी बनता है। उनके साथ टाइम बिताएं, उनकी मर्ज़ी का खाना खिलाएं, उनकी चॉइस देखें क्या है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग का जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो भी बच्चों की तरह हो जाता है। आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमें रैन बसेरों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ श्यामलाल बच्चन जी का, ये हर त्यौहार हर टाइम हमारे साथ खड़े रहते हैं। कोई भी त्यौहार हो या दुख सुख हो तो हमारे रैन बसेरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कोई दुख सुख है ये हमारा पूरा इन लोगों का ध्यान रखते हैं। और मैं आवाम को ये कहना चाहती हूँ जो नई जनरेशन है अपना माता पिता का ध्यान रखे, ताकि हमने माता पिता ने जन्म दिया तो हमने संसार देखा, पर हम बच्चे भूल जाते हैं कि हमारा माता पिता हैं हमारे, जो उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जोश में होते हैं उसी तरीके से हमने अपने बड़ों को बुज़ुर्गों को भूल जाते हैं, लेकिन उनकी ही देन है तो आज हम जीवित हैं। अगर वो ना हमें जन्म देते तो हमने ये संसार कहाँ देखना था। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ अपने माता पिता की जहाँ कहीं भी कोई बुजुर्ग मिले उनका पूरा ध्यान रखना। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।